अस्सलाम वालेकुम। आज बना रही हूँ अंडे और मेथी की भाजी। तो आजकल मार्केट में बहुत सारी मेथी आई है, तो इसीलिए मैं ये इसकी आपको भाजी बनाकर दिखा रही हूँ। लेकिन मैं इसको हैदराबादी स्टाइल में बनाकर बता रही हूँ। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, दो हमने बड़ी सी गड्डी ले लेनी है मेथी की। उसको मैंने साफ करके और उसको धो के मैंने उसको उसका जो पानी है उसको ड्रेन आउट करने के लिए रख दिया था यहाँ पर। और इसका पानी आपने निकाल लेना है, जितना आप निकाल सकते हो उतना आपने पानी निकाल लीजिए। और यहाँ पर मैंने एक लहसुन की बड़ी सी डली जो होती है उसको मैंने पूरी ली हुई है। यहाँ पर मैंने मिर्ची जो है हरी मिर्च थोड़ी ज्यादा लिए है, स्पाइसी बनाना है, इसीलिए आप अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप ले लीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 टीस्पून मैंने जीरा लिया हुआ है। यहाँ पर तो अंडे हैं, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट जाएगा। बस इन्हीं चीजों से बहुत ही अच्छी, और इसको मेथी अंडे की भुर्जी भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले ये दोनों चीजों को ग्राइंड कर लेना है। तो मैं दोनों चीजों को ग्राइंड करके फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, इसमें हम जीरा ऐड करेंगे फर्स्ट। और उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए ये जो मैंने आप लोगों को बताया था लहसुन और मिर्च, मैंने इसको धरधरा पीस लिया है। अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लहसुन और हरी मिर्ची जो है वो अच्छे से भून गई है। तो अब इसके अंदर में ये सारी मेथी की भाजी ऐड की, ये मेथी का जितना पानी है उतना पानी हमें सुखा लेना है। इसको फास्ट फ्लेम पे ही रख के मैं ये जो मेथी है इसको अच्छे से सुखा लूंगी। यहाँ पे देखिए ये जो मेथी है उसका जो पानी है वो बहुत ही अच्छे से सूख चुका है। तो अब हम देखिए क्या करेंगे, इसके अंदर हम अंडे डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 अंडे मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसमें मैं नमक भी ऐड करूँगी। अभी तक मैंने इसमें नमक वगैरह कुछ ऐड नहीं किया था, विदाउट नमक के ही मैंने बनाया है। सिर्फ मैंने इसमें लहसुन और मिर्ची डाला हुआ था। अब मैं इसमें थोड़ा नमक भी ऐड करूँगी। नमक आप एज पर योर टेस्ट डालिए, नमक एंड में इसीलिए ऐड करते कि जो मेथी की भाजी है वो कितना बनकर कितनी हो जाएगी वो हिसाब से हमें सॉल्ट डालना पड़ता है, वरना सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा। बस इसमें काफ़ी है, थोड़ा सा इसको पकने देंगे, फिर उसके बाद में ही इसको आपने मिक्स करना है। अभी जो अंडा है वो अच्छे से पक चुका है, तो अभी इसे मैं मिक्स करूंगी और सिर्फ हमें इसे अभी 1 मिनट और पकाना है, फिर उसके बाद में इसे मैं डिश आउट कर लूंगी। तो यहाँ पे देखिए अंडे मेथी की जो भाजी है बनके तैयार है। तो इसको बॉयल अंडे के साथ में भी बनाते हैं, और इसको विंटर में ज़रूर खाइएगा, क्योंकि ये जो मेथी जो होती है विंटर में बहुत आती है, और क्या कहते हैं इसे जो अंडा जो होता है वो भी गर्म होता है, तो ठंडी में बहुत ज़्यादा अच्छा होती है ये रेसिपी। तो चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।